আজ আমরা চৈত্র পার্বণ উপলক্ষে পাঁচ মিশালি সবজি রান্না করি। আজকে আমরা এগুলো খেয়ে চৈত্র পার্বণ পালন করি। ফ্রেন্ডস, ইয়াহ পে দেখ সকতে হো কিতনা সারা সবজিয়াঁ হ্যায়, কিতনা সারা সবজি কাট লিয়া হ্যায়, দেখো অর ভি কাটনা বাকি হ্যায়। দেখ সকতে হো মাম্মি হামারে লিয়ে কিতনা মেহনত করতি হ্যায়, মাম্মিয়াঁ এসি হোতি হ্যায়। ফ্রেন্ডস, ইয়াহ পে দেখ সকতে হো হামারে সারে সবজিয়াঁ কাট কে রাখ দিয়া হ্যায় মাম্মি নে। यहाँ पे सारे मसाला स्पाइसेस है, इतने बड़े पतीले पे ये सारे सब्जी बॉईल किया जाएगा। एगुलो सिद्ध होले मिष्टी कुमुर, मिष्टी आलू, सजना আলুগুলো ভেজে দেব। इसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट नहीं पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये सीम का सीड्स है, रोस्ट करके पानी में भिगो के रखे हैं। हमारा मसाला भी पाउडर बन गया है। तड़का लगाएंगे अब इस सरसों के ऑयल में। पांच फूरन बोलते हैं इसको हम, हर टाइप्स के स्पाइसेस से बनाया जाता है, बनाते हैं हम पांच फूरन। यहाँ पे देख सकते हो हमारा सब्जियाँ भी बॉइल्ड हो चुका है। हल्दी पाउडर, सॉल्ट, सॉल्ट और मसाले जो डाल देंगे। ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल डिश फ्रेंड्स। ए वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आज चैत्र संक्रांति है, तो चैत्र संक्रांति का ये सब सारे डिशेज बनाए हैं हमने। और आप सबको भी चैत्र बंगाली चैत्र संक्रांति का बहुत 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 शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंगो दाल है, मैंगो दाल लिया है, बासमती राइस, यहाँ पे स्वीट्स भी है। स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। कोल्ड ड्रिंक से खाएंगे। ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम करके खाएंगे। मुझे थोड़ा सा ठंडा ठंडा पम्पकिन के अंदर जो रहता ही है। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कैमरे के लिए ऑर्डर दे दिया है,
बहुत ही महंगा कैमरा है फ्रेंड्स, मेरा ड्रीम कैमरा भी है, लेकिन मैं तो घर खरीदने वाला हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट का एक हिस्सा देके ये कैमरा खरीद रहा हूँ, इतना महंगा है। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, वीडियो में व्यूज़ भी तो आना चाहिए। आप लोग बोल रहे हो कैमरा ठीक करो, मैंगो पम्पकिन फ्राई।
পরোটা লস না খাও রে দাঁড়া দাঁড়া फ्रेंड्स मुझे ये पाचन है ना पाचन कब खाना अच्छा लगता है कल सुबह इसको फिर से पका के गरम करके खाते हैं ना पंता भात के साथ तब अच्छा लगता है ज़्यादा इतना अच्छा लगता है भाई तीन चार बार पका इसको पका के नहीं सॉरी इसको गरम करके तीन चार बार गरम करके खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे ऐसे अच्छा लगता है। आज के दिन अगर हमारे गांव में मैं रहता सारे लोगों के घर में इनवाइट करते हैं हमारे घर आके पाचन खा के जाओ हमारे घर में आके पाचन है जब ज़्यादा छोटा था तब चला जाता था बड़े होने के बाद एक दो घर में जो लोग ज़्यादा बोलते उनके घर में जाके खाते थे। कितना खाओगे फ्रेंड्स सब लोग तो बोलते हैं न्यू ईयर के बंगाली न्यू ईयर के दिन चिकन मटन वो भी बनाया जाता है कल खाएंगे फिश मटन उस दिन कोई इनवाइट नहीं करता उस दिन करना चाहिए ना। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक फैंस मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ बासमती राइस के बारे में सुनते थे ये लंबा लंबा राइस है राइस होता है ऐसे सुना था हमने कितना अच्छा होगा खाने में ऐसा सोचता था खा नहीं पाई कभी अभी जब ट्वेल्थ के कॉलेज में शायद खाए थे पता नहीं खाए नहीं थे शादी वगैरह में खाए थे होंगे ट्वेल्थ के बाद पता नहीं मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन अभी जो यूट्यूब करने के बाद दो तीन साल यूट्यूब करने के बाद जब से अर्निंग कर रहा हूँ उसके दो तीन साल के बाद से भाई कितना खा रहा हूँ बासमती राइस खाते खाते अभी मन भी नहीं करता अच्छा नहीं लगता अभी बासमती राइस खाने से अभी खाने में अच्छा भी नहीं लगता अभी नॉर्मल राइस अच्छा लगता है।
हमारे अगरतला में एक ही शोरूम है, कैमरे का शोरूम है, उनके पास भी ये कैमरा नहीं है। तो ये जो पांचन बज गया है ना, इसको फिर से गर्म करके कल पंता भात के साथ खाएंगे। और भी है पका, और भी है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था तो इतना ही लिया। फ्रेंड्स मैंने तो कैमरा तो अच्छा ले लूँगा, लेकिन माइक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक मैं नया घर नहीं ले लेता, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक है। मैंने दिखाया था एकदम घर के एडजेसेंट में, एकदम बिल्कुल घर के एडजेसेंट में है रोड, वो भी मेन रोड है। यहाँ से पूरे पूरे त्रिपुरा में जाते हैं यहाँ से, इसलिए ज़्यादा कार घूमते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कार यहाँ से जाते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। मैं तो घर लेते बट उतना सोचा नहीं था, अभी लेने के बाद पता चला। नहीं खाना हमारी इच्छा नहीं। एक दिन मुझे मेरा विषय है कि कभी रसगुल्ला गर्मा गर्म रसगुल्ले से पराठे से खाऊं, पराठे पूरा एक थाली रसगुल्ला लेके पराठे से खाऊं। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये भी डर लगता है आप लोग देखोगे कि नहीं, तो मेहनत करके एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद नहीं देखोगे तो बुरा लगेगा। बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं तो भाई, बहुत बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में है, सिर्फ दो चीज़ की वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। एक है मेरा घर नहीं है घर की वजह से, और मेरा पोजीशन ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जो ये वीडियो बना सको, और मेरे साथ फ्रेंड्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे साथ, मेरा दोस्त वगैरह भी नहीं है, या फिर किसी को कैमरामैन के लिए भी लेना चाहता हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता मुझे कैमरामैन, मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, इसलिए भी थोड़ा अच्छा वीडियो नहीं बना पाता। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।